नमस्कार दोस्तों, बजट 2023 में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने यह घोषणा करी कि 7 लाख रुपए तक की इनकम कमाने वाले व्यक्ति को अब टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन यह आई कि ओके, एक तरह से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहीं ना कहीं 7 लाख रुपए हो गई हो। तो दोस्तों, जनता जनार्दन का ये क्वेश्चन बहुत लाजमी है कि अनूप जी, क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़कर के 7 लाख हो गई, या ये बताइए हमारे को कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, ये बात कैसे सिद्ध होती है। तो इस वीडियो के थ्रू दोस्तों आपके समक्ष यही बात मैं रखने जा रहा हूं कि हाउ टैक्स ऑन टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख विल बी निल इफेक्टिव फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो आइए आगे के डिस्कशन में डिटेल में आपसे चर्चा करता हूं। तो दोस्तों, 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए मेरे को एक बेसिक बैकग्राउंड आपको देना पड़ेगा कि नई स्लैब रेट जो भारत सरकार प्रस्तावित कर रही है वित्त वर्ष 23-24 से, वो क्या होगी, जरा उसको समझिए कि ये नई स्लैब रेट में पहले 2.5 लाख तक टैक्स निल था, अब सरकार ने कहा 3 लाख तक टैक्स निल है, 3 से 6 लाख तक 5% है, 6 से 9 लाख के बीच की इनकम पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20% और 15 से ऊपर 30%। तो एक तरीके से 3 का टेबल यहां अप्लाई हो गया कि हर 3 लाख के गैप पर टैक्स की रेट बदल रही है ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन आप इसे ऐसे समझिए कि इससे तो ये बात नहीं निकल करके आती कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं ले। तो आप कहेंगे, अनुप जी वो ओल्ड स्लैब रेट में, सर ओल्ड स्लैब रेट में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ, वहां तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, उससे ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, 2.5 से 5 के बीच में 5%, 5 से 10 के बीच में 20% और 10 लाख से ऊपर 30% की रेट। तो ये क्वेश्चन अब और गहरा जाता है कि किस प्रकार 7 लाख रुपए तक की इनकम वाले पर्सन को टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इस राज को खोलने की खुलजा सिमसिम की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे एज्यूम कर रही है कि 7 लाख रुपए, या गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट तो एज्यूम नहीं कर रही, गवर्नमेंट तो हमें बता रही है कि 7 लाख तक की इनकम वाले को हम टैक्स नहीं लगाएंगे। कैसे होगा ये चीज, मान लीजिए आप न्यू स्लैब रेट में जाते हैं, ठीक है, तो आपके पहले, और मैं मान लेता हूं आपकी 7 लाख रुपए की ही इनकम है, तो आपको पहले 3 लाख तक टैक्स निल है, 3 से 6 लाख के बीच में आपको एट द रेट 5% 15,000 टैक्स लगा, 6 से 7 लाख तक की इनकम पर जो एप्लीकेबल स्लैब रेट है वो है 10%। तो इसका मतलब हुआ 1 लाख पर आपको टैक्स लगा सर 10,000, और इस प्रकार आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 25,000। लेकिन यदि आप रेजिडेंट असेसी हैं तो भारत सरकार ये कह रही है कि हम आपको 115 BAC की टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 87A जो पहले हम रिबेट दिया करते थे 12,500 की, अगर आप नई स्लैब रेट में हमारे पास में आ रहे हैं तो हम आपको 25,000 रुपए का 87A का रिबेट देंगे। सर, इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि ओके, अगर किसी व्यक्ति की 7 लाख रुपए तक की टोटल इनकम बैठेगी तो देन इन दैट केस, और ये बेसिकली सैलरी इनकम हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है, अदर सोर्स की इनकम हो सकती है, मैं यहां भी कैपिटल गेन पर अपनी ओपिनियन थोड़ी सी रिजर्व रख रहा हूं, तो अल्टीमेटली भारत सरकार ने यह प्रूव कर दिया कि ओके, 7 लाख रुपए तक की आपकी यदि इनकम है, आप नए स्लैब रेट में है, तो आपको फाइनल टैक्स लायबिलिटी निल पेएबल होगी। लेकिन दोस्तों, एक बार जो मैं यहां पर आपके लिए समझ डेवलप कर रहा हूं, उसमें एक बात एडिशन में बोलना चाहूंगा कि जब न्यू स्लैब रेट में ही ये वेंचर आया है तो न्यू स्लैब रेट की कुछ अपनी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, जैसे इट डज नॉट अलाउ टू क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ HRA एग्जम्पशन, LTA एग्जम्पशन, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज, इसका हम 2 लाख रुपए तक का ब्याज क्लेम कर सकते हैं, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लाइक ATC, ATCCD, ATD, 1.5 लाख रुपए हम ATC में क्लेम करते हैं, NPS के डिडक्शन हम क्लेम करते हैं, ATG में आपने कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो डिडक्शन लिया, तो वो सारे डिडक्शन आपकी टोटल इनकम की गणना में माइनस नहीं होंगे। यानी अगर आप इनमें से कोई डिडक्शन लेना चाह रहे हैं तो आपको एक बार ओल्ड स्लैब रेट से अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और एक बार अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी बिना इन सब डिडक्शन के। अब एक और इंसेंटिव जो यहां आपको मिलता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ओल्ड स्लैब में हैं तो भी आपको 87A का रिबेट मिलेगा, लेकिन वहां क्वांटम फिक्स है 12,500। लेकिन अगर आप न्यू स्लैब रेट में आते हैं तो भी आपको 87A का रिबेट मिलेगा, लेकिन क्वांटम कर दिया 25,000, जस्ट डबल। यानी सरकार इंसेंटिवाइज कर रही है कि नई स्लैब रेट लीजिए, हम आपको 87A में रिबेट 25,000 की देंगे। तो लेनी है नहीं लेनी वो फाइनली रिटर्न भरते समय हमें तय करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप अब से, यानी वित्त वर्ष 23-24 से न्यू स्कीम में ही होंगे,
अगर आपको लगेगा कि मेरा फाइनल टैक्स लायबिलिटी ओल्ड स्कीम में कम आएगा तो आपको फिर ओल्ड स्कीम के लिए ऑप्ट फॉर करना है, नहीं तो आपको सरकार इस नई रिजीम से डील करेगी। अब मान लीजिए दोस्तों, मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि चलिए एक व्यक्ति की सैलरी इनकम 10 लाख रुपए मान लेते हैं और ये देखते हैं कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर तो टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम पर न्यू स्लैब रेट से इफेक्टिव 23-24 निल हो जाएगी, ये बात सिद्ध है। लेकिन मान लीजिए किसी की इनकम 10 लाख रुपए है तो फिर उनकी टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी और उन्हें ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब में कौन सा बेनिफिशियल होगा, जरा एक कंपैरिजन करता हूं केवल। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम फ्रॉम सैलरी 10 लाख है, ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब दोनों में कंपेरिजन ले रहा हूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां भी 50,000 मिलेगा, यहां भी 50,000 मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर जानने की कि सरकार ने न्यू स्लैब रेट में थोड़ा दिल और खोला और ये कहा कि आपको न्यू स्लैब रेट में अब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे वित्त वर्ष 23-24 से, ठीक है। ओल्ड स्लैब में दोस्तों हमें होम लोन के इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर, न्यू स्लैब रेट में ये नहीं मिलता। इस प्रकार उस व्यक्ति के पास मान लीजिए यदि कोई और इनकम नहीं है तो 7.5 लाख रुपए ओल्ड स्लैब रेट में GTI और न्यू स्लैब रेट में 9.5 लाख की टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम बचती है। मान लीजिए इन सज्जन ने 1.5 लाख रुपए ATC में इन्वेस्ट किया और NPS में 50,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन किया। अब ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन का न्यू स्लैब में डिडक्शन का कोई प्रावधान नहीं, तो फाइनली टोटल इनकम यहां पर बची सर 5,50,000 और यहां पर बची 9,50,000। अब मैंने स्लैब रेट लगाई, ओल्ड स्लैब रेट यहां पर 5.5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 2.5 से 5 के बीच में आपको टैक्स देना है 5% और बाकी के 50,000 पर 20%, 10,000, तो आपका फाइनल टैक्स आया विदाउट HEC 22,500। अब न्यू स्लैब रेट है दोस्तों, उसमें 9.5 लाख में मैं बोलूंगा पहले 3 लाख तक टैक्स लायबिलिटी जीरो है, 3 लाख से 6 लाख के बीच में टैक्स लायबिलिटी 5% है, 15,000 हो गई, 6 लाख से 9 लाख के बीच में टैक्स लायबिलिटी 10% है, 30,000 हो गई, तो 45,000 ये हुआ, और अगले 50,000 पर टैक्स लायबिलिटी 15% से लगी 7,500, तो आपको टैक्स लायबिलिटी कितनी आई फाइनली 52,500। तो हियर इट अपियर्स कि 10 लाख की इनकम पर एक व्यक्ति जो होम लोन भी कर रहा है, ATC भी अवेल करना चाहता है, NPS भी ले रहा है, उनको हो सकता है ओल्ड स्लैब रेट न्यू स्लैब रेट से ज्यादा बेनिफिशियल दिखे। तो ये कंपैरिजन दोस्तों फाइनल नहीं है, हर व्यक्ति की टोटल इनकम पर डिसाइड किया जाएगा कि उनके लिए कौन सा स्लैब रेट फायदेमंद है। तो मैंने एक एग्जांपल से आपके सामने सिचुएशन ये रखी कि ऐसे व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करके बचत करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि अब उन्हें ओल्ड टू न्यू जाना ही है, उन्हें ओल्ड स्लैब हो सकता है आगे आने वाले समय में भी बेनिफिशियल हो, पर उसके लिए उनको यह बात ध्यान रखनी है कि बाय डिफॉल्ट वित्त वर्ष 23-24 से वो न्यू स्लैब रेट से गवर्न होंगे, उन्हें ऑप्ट आउट करना है न्यू स्लैब से और ओल्ड स्लैब में जाना पड़ेगा ताकि वो अगर टैक्स वहां ज्यादा बच रहा है तो उस स्कीम का बेनिफिट उठा सके। फाइनली दोस्तों, इस वीडियो से मुझे लगता है कि मैं आपको कन्विंस कर पाया हूं कि भारत सरकार ने या वित्त मंत्री महोदया ने जो कहा कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना, ये बात आश्वस्त होती है कि यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम का कैलकुलेशन एज पर न्यू रिजीम 7 लाख आता है तो उन सज्जन को कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं देनी होगी। लेकिन टोटल इनकम के कैलकुलेशन के 2 तरीके डेवलप हो गए हैं सर, एक ओल्ड स्लैब रेट से, एक न्यू स्लैब रेट से। जिस स्लैब रेट में आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा फाइनली वो ऑप्शन आप रिटर्न भरते समय लेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।